नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पांच ऐसे कामों की जो यदि आपके घर में होते हैं या होते रहेंगे तो आपके घर में पैसा कभी भी नहीं रुकेगा। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि इस वीडियो में हमने पांच ऐसी बातों को बताया है जो यदि घर में होती है तो घर में माता लक्ष्मी नहीं रुकती, वे आपसे हमेशा ही रूठी रहती है। तो दोस्तों कौन सी है वो पांच बातें, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों लोग अक्सर हमसे कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं कि उनके पास पैसा नहीं ठहरता है, धन का उनके जीवन में अभाव रहता है, उनकी या तो नौकरी नहीं लग रही है या उनका जो भी व्यापार है, जो बिजनेस है, वो उनका नहीं चल रहा है। देखिये दोस्तों, चाहे आपको व्यापार में घाटा हो रहा हो या आपके रोजगार के क्षेत्र में, कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में यदि आपको अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी आपके जीवन में माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा नहीं कर रही है, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि आखिर कमी कहां पर है। आपका जो दैनिक जीवन है वो किस प्रकार का है, आपके घर के जो सदस्य हैं, खास करके जो घर की गृहणियां हैं, माता बहने हैं, उनका जीवन, उनका आचरण किस प्रकार का है, उस बात पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों लक्ष्मी आज के समय में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है, तो कौन से वो पांच उपाय हैं, पांच कारण हैं जो लक्ष्मी प्राप्ति में बाधक बनते हैं, आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे घर की माताएं बहनें हैं, घर की गृहणियां हैं, उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो सबसे पहला कारण हम आपको बता रहे हैं, यदि हमारे घर की माताएं बहनें जो कि लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, यदि वे देर तक सोकर उठेंगी, यानी सूर्योदय से पहले अगर वे सोकर नहीं उठती हैं, देर तक 8 बजे 9 बजे सोकर उठती हैं, तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती है। तो सबसे पहला कारण यही है कि माताओं बहनों को सूर्योदय से पहले सोकर उठ जाना चाहिए। दूसरा कारण दोस्तों, यदि माताएं बहनें सूर्योदय से पूर्व नहीं उठती हैं, देर तक सोकर उठती हैं और घर की साफ सफाई भी काफी देर में करती हैं, यानी 9 बजे 10 बजे घर की साफ सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, तो ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी कभी नहीं रहती हैं, माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं। दोस्तों घर में सूर्योदय से पूर्व ही झाड़ू पोछा लग जाना चाहिए, साफ सफाई हो जानी चाहिए। और हम तो बताते हैं कि जो घर का मुख्य द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, उसको भी पानी से सूर्योदय से पहले ही धो देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं। दोस्तों अगला जो उपाय है वो आपके पूजा घर से संबंधित है, अगला जो कारण है। दोस्तों तीसरा कारण है कि जो आपके घर की जो रसोई है, आपके घर की जो रसोई है वो पूजा घर के बाद, अगर हम बात करें पूजा घर की, तो पूजा घर के पश्चात जो आपके घर में सबसे पवित्र स्थान है वो आपके घर की रसोई है। तो यदि माताएं बहनें बिना स्नान किए ही रसोई घर में चली जाएंगी और खाना बनाना शुरू कर देंगी, तो ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में, ऐसे घर लोगों से नाराज रहती है। तो ऐसे घर में धन का हमेशा अभाव बना रहता है, पैसा आता है और खर्च हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि घर की जो माताएं बहने हैं, जब भी रसोई में जाए, रसोई घर में जाए, तो स्नान करने के पश्चात ही जाए। दोस्तों जो चौथा कारण है लक्ष्मी माता के नाराज होने का, वो है आपके भोजन से संबंधित। दोस्तों भोजन के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और माना जाता है कि भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि भी भोजन के अंदर वास करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारे घर का जो बेड होता है, बिस्तर होता है, उसको बहुत ही अपवित्र माना जाता है, क्योंकि बिस्तर पर भोग विलास किए जाते हैं। इसलिए यदि घर में भोजन को नीचे बैठकर ना किया जाए बल्कि बिस्तर पर बैठकर किया जाए, खास करके डबल बेड पर बैठकर किया जाए, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी नाराज नहीं होती हैं, क्योंकि जो बेड है वो अपवित्र है और जब बेड पर बैठकर भोजन किया जाएगा तो उसमें जो भगवान विष्णु जी हैं, भगवान हरि हैं, उनका अपमान होगा और ऐसे में माता लक्ष्मी भला उस घर में कैसे ठहर सकती हैं। इसलिए भोजन को हमेशा नीचे बैठकर ही करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी। दोस्तों पांचवा और अंतिम कारण है जूतों से संबंधित। दोस्तों जिस घर में लोग जूते पहनकर बैठते हैं
या जूते पहनकर अंदर आते हैं उस घर में भी माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी नाराज रहती है। दोस्तों, जूते चप्पलों को घर से बाहर ही रखना चाहिए, और यदि कोई आपके घर में प्रवेश भी करता है तो आप उनसे कहिए कि प्लीज जो जूते चप्पल है वो बाहर उतार दीजिए, क्योंकि लोग आपके घर में आते हैं पता नहीं कैसे कैसे जगहों से, कैसे कैसे स्थानों से होकर आपके घर में आते हैं, इसलिए जूते चप्पलों का जो स्थान है वो आपके घर के बाहर ही होना चाहिए। कभी भी जूते चप्पलों को घर में लेकर नहीं आना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी नाराज होती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको 5 ऐसे कारण बताए हैं जो यदि आपके घर में होते हैं या होते रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज रहेगी, पैसा आपके पास नहीं रुकेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि पैसा रुके, आपके घर में बरकत हो और आपका पैसा जुड़े, तो आप इन 5 कामों को आज से ही त्याग दें और फिर देखिए आपके घर में कैसे माता लक्ष्मी कृपया होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल माँ इंद्रजाल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।